हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बंगाली स्टाइल की बिरयानी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया 3 पाव चावल, 750 ग्राम चिकन, 1 किलो प्याज, 2 आलू, तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा, खड़ा मसाला और यह दही, देसी घी, बिरयानी मसाला, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ये नींबू कटा हुआ। आइए अब चावल को भिगो देते हैं। मैंने चावल को आधा घंटे के लिए भिगो दिया है, आधा घंटे भिगे रहेंगे। और ये मैंने चिकन ले लिया, इसमें मैं डालती हूँ आधा नींबू निचोड़ के। अब डालती हूँ तीन चम्मच दही, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, 1/4 स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप चाहे दही ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डालना इसलिए। इस तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेनी है। इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आइए अब प्याज को काट लेते हैं पतले पतले करके। ये मैंने प्याज को काट लिया है, ये फ्राई करने के लिए, ये चिकन के लिए। आइए अब आलू को काट लेते हैं। इस तरीके से आलू को काट लेनी है। अब इसको मैं धो लेती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुकी है, अब मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेनी है आलू को। देखिए इस तरीके से फ्राई कर लेना। आइए अब प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मेरे प्याज फ्राई होते तक मैं चावल के लिए पानी रख देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा खड़ा मसाला। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। अब इसको मैं गर्म होने देती हूँ, पानी को उबालने देती हूँ, फिर चावल बाद में डालेंगे।
देखिए अब मेरा प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है, इस तरीके से फ्राई कर लेनी है। आइए बाकी प्याज भी फ्राई कर लेते हैं। आइए मैंने सारे सारे प्याज को फ्राई कर लिया है, अब बाकी मसाले के लिए तैयारी करते हैं। ये 3-4 तेज पत्ते, तीन लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, ये खड़ा मसाला, आइए अब प्याज को डाल देते हैं। पानी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं चावल को डाल रही हूँ। आइए 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम हल्दी, 'क्योंकि जब मैंने मैरिनेट किया था तब नमक था 1 चम्मच, इसलिए आधा चम्मच नमक, मसाला मेरा भून चुका है, इसमें टमाटर नहीं डालना फिर गिली गिली हो जाती है। ये चिकन में डाल रही हूँ जो मैरिनेट करके रखा था। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ढक देती हूँ और गैस को मैं सिम कर देती हूँ। इसको मैं ढक देती हूँ। चावल मेरा हो चुका है, देखिए थोड़ा सा सख्त रखना है क्योंकि ज़्यादा गलाना नहीं है। आइए अब इसको छान लेते हैं। चावल मैंने छान लिया है, देखिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा ऐसा सख्त रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा गला दोगे तो फिर वो भाते जैसे बन जाएंगे। आइए 10 मिनट मेरा हो चुका है, 10-15 मिनट, अब देखते हैं चिकन मेरा कैसे बना। देखिए ये मेरा बन चुका है चिकन, अब थोड़ी देर और 2 मिनट भून लेते हैं। चिकन मेरा बन चुका है, आइए आप बंद कर देते हैं। आइए अब इसको बिरयानी की तैयारी करते हैं। इसमें अब नीचे में डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, अब मैं डालती हूँ चावल को।
आलू को डाल देते हैं। अब डालते हैं थोड़ा सा नमक, अब डालते हैं थोड़ा सा किशमिश। अब मैं डालती हूँ चिकन को इस तरीके से। अब मैं डालती हूँ घी थोड़ा सा, 2 चम्मच। अब मैं डाल रही हूँ प्याज को। अब मैं डालती हूँ थोड़ा सा बिरयानी मसाला, 1 चम्मच। फिर से चावल को डालती हूँ ऊपर से। अब मैं डालती हूँ चिकन को। आप डाल देते हैं किशमिश। आप डालते हैं गरम मसाला ऊपर से। आप डाल रही हूँ 2 चम्मच घी फिर से। अब मैं प्याज डाल रही हूँ इस तरीके से, आपको डाल लेनी है प्याज को भी। आइए अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसको आइए अब इसको आटे से बंद कर देते हैं चारों तरफ से। आइए उसको दम लगा लेते हैं। ये तवा रखा हुआ है, तवे के ऊपर रखना है, डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना। अब इसको 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। आइए अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको नीचे उतार देते हैं। आटे को निकाल लेती हूँ। लग गया, अब उसको खोलते हैं। ये मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। साइड साइड से करनी है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
देखिए मेरा चिकन बिरयानी बन के रेडी है। अब इसको रायते के साथ आप खा सकते हो। अगर मेरे बंगाली स्टाइल की रेसिपी बिरयानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।